नमस्कार, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं संजूर। और आज हम फिर से बात करेंगे बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के मैथ्स के सेक्शन के बारे में। तो जैसा कि पिछले दो एपिसोड में आपको मैथ्स के कुल 6 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया गया था, जो क्या है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हम आगे के 3 चैप्टर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें क्या होगा, अनुपात समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत इट मींस एवरेज, और लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम एंड एससीएफ। ठीक है, तो बिना देरी के सबसे पहले हम लोग आज अनुपात समानुपात चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अनुपात समानुपात के चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आपको यह बता दें कि यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का रिलेशन परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों से आपको दिखेगा। तो अनुपात समानुपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे पहला मकसद क्या है कि यह जो है ना किसी भी चीज में कंपेयर को शो करता है, मतलब तुलना है ना। किसी भी चीज में अगर आपको तुलना करना होगी ना तो आप अनुपात समानुपात से करेंगे। जैसे कि कहेंगे ना कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो यहां भी रेशियो से इसको तुलना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ए 1 रुपए कमाता है, बी 2 रुपए कमाता है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए छोटा है बी से, तो हम इसको कह सकते हैं 1:2, मतलब एक जो है 1 रुपए, बी 2 रुपए। तो यहां पे यह तुलना रेशियो जो है ना यहां पे एक तरह से कंपेयर शो करता है। आप कह सकते हैं कि इसके बीच जो कंपेयर है ना वो रेशियो के कारण हो रहा है। ठीक है, तो अनुपात समानुपात के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूला अगर होगा तो फॉर्मूला देख लेंगे, और कुछ शॉर्ट ट्रिक होगा तो शॉर्ट ट्रिक पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि यही करते आए अभी तक, कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, होता क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा के पर्पज से, क्योंकि एक प्रश्न इससे दिख ही जाता है हर साल। तो इसका रिलेशन पहले किन किन चैप्टर से वो जान लीजिए। आपको इसमें परसेंटेज का रोल दिखेगा और फ्रैक्शन का, ये आपस में एक तरह से कहे तो सिमिलर है। मैं आपको दिखा दूंगा, बता भी दूंगा कि कैसे सिमिलर है। एक छोटी सी बात समझिए कि अगर हम 1/2 लिखते हैं तो अभी क्या है, यह भिन्न मतलब फ्रैक्शन में है, और अगर इसी को मैंने आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाया था तो क्या कहा था कि 100 से गुना कर दीजिए। अगर आप 100 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 50 है ना, 50%। और अगर इसी को रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो देखिए 1/2 जो है ना आप इसको रेशियो में 1:2 लिख सकते हैं। तो ये जो अनुपात का सिंबल है ना ये एक तरह से बटे है, मतलब ये जो बटे दिख रहा है ना यह है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ना कि यह भिन्न है, यहां पे ये परसेंटेज है, ठीक है, और यहां पे ये रेशियो है। तो एक ही डिजिट फ्रैक्शन भी है, परसेंटेज भी है और रेशियो भी है, तो आप फ्रैक्शन से भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। यहां भी तो कंपेयर ही हो रहा है ना कि 1/2, मतलब कोई व्यक्ति 2 रुपए कमा रहा है, कोई व्यक्ति 1 रुपए कमा रहा है, तो 2 रुपए के 2 रुपए के रिस्पेक्ट में 1 रुपया क्या है, आधा है। उसी तरह अगर परसेंटेज की बात करें, 50%, मतलब अगर कोई भी चीज 100% के बराबर है तो 50% है, मतलब वो आधा है। उसी तरह अगर रेशियो की बात करें, 1:2, मतलब कोई व्यक्ति 2 रुपए कमा रहा है तो 1 रुपया उसका आधा है, तो रेशियो वही हो गया। अब इसमें एक रेशियो तो टर्म समझ गए, रेशियो का सिंबल हमेशा ऐसे होता है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन मतलब 4 डॉट। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्यों लिखा गया आप ये भी समझिए। तो रेशियो तो समझ गया, बोलेंगे प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, तो कहते हैं ना कि जैसे 1:2 है ना, अगर ये किसके बराबर है कहेंगे तो 4:8 के बराबर कह सकते हैं ना, कैसे, तो एक बार देख लीजिए, 1/2 है यहाँ, बराबर है लिख दीजिए,
और 4/8 भी लिख दीजिए, अगर आप इसको कटाएंगे तो वापिस 1/2 हो जाएगा, है ना, हो गया ना। तो इसीलिए 1:2 और यहाँ पे समानुपात 4:8 लिखते हैं। समानुपात क्या होता है ना, इसके और इसके बीच इक्वालिटी को शो करता है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर होगा तभी आप समानुपात लगा पाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर पहली संख्या दूसरे से संबंधित है जिस प्रकार, उसी तरह तीसरी संख्या चौथे से संबंधित है, मतलब ऐसा, मतलब ये दर्शाता है, ठीक है, समझ गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब चलते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि दो संख्या है ए और बी, है ना, इसका अनुपात अगर आपको दिया है 3:4, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, आप ऐसे हमेशा समझना, जब भी किसी दो रेशियो की बात होना तो आप ऐसे समझ लेना कि ए 3 रुपये कमा रहा है, बी 4 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और यह छोटा है और यह बड़ा है, ये भी समझ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी 3/4। और अगर इसी से पूछ लिया जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 × 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75%, मतलब 75%। तो 3/4 75% के बराबर है, आपको पता ही है, और 3:4 भी क्या हो गया, 75% के बराबर है। तो आप क्या देखें, यहां भी रेशियो है ना, ये यहां पे आप रेशियो देख लिए, यहां पे आपने फ्रैक्शन देख लिया, यहां पे आपने परसेंटेज देख लिया। तो हमेशा याद रखिएगा तीनों कहीं ना कहीं सिमिलर है, ठीक है। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में आप पूछेंगे कि क्वेश्चंस क्या आता है, ये तो कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछेगा ना कि 2:1 दिया रहेगा, ए और बी का अनुपात मान लेते 1:2 दिया रहेगा, बी अनुपात सी का अनुपात दिया रहेगा 3:4। अभी ऐसा करते हैं, थोड़ा आसान करके चलते हैं, 2:3 दिया रहेगा। तब आपसे पूछ लेगा ना कि आप बताइए ए बी और सी के बीच अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आप यहां देख रहे हैं तीन ही राशि है ना, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। देखने में आपको 4 लग रहा होगा, बट क्या है ना, बी 2 बार है, रिपीटेड है। तो यहां देख रहे हैं बी बी सेम है, तो यहां भी देख रहे हैं ये सेम है ना, 2-2। तो आप सीधा सीधी लिख सकते हैं, ए 1 है तो 1:1, बी की वैल्यू 2 है तो 2 लिख लीजिए, और सी की वैल्यू कितने है, 3 है तो 3 लिख लीजिए। आंसर आपका क्या हो गया, 1:2:3। लेकिन अब थोड़ा सा वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट कर सकता है ऐसे कि पी अनुपात क्यू की वैल्यू दी रहेगी 3:4, और फिर क्यू अनुपात आर इसकी वैल्यू दी रहेगी 6:7। तब आपसे बोलेगा कि आप पी अनुपात क्यू अनुपात आर बता दीजिए, तब आप कैसे बताएंगे। तो देखिए बहुत आसान है, यहां पहले ये देख लीजिए कि फिर से 3 राशि है, P, Q और R। P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू यहां पे 4 और यहां पे 6। लेकिन Q तो एक ही चीज है ना, तो 4 और 6 कैसे हो सकता है। तो आप ऐसा कीजिए, 4 को या तो 6 बनाइए या 6 को 4 बनाइए, लेकिन 4 को 6 तो बना नहीं सकते। तो 4 और 6 को देखते हुए एक ऐसा फिगर सोचिए जो दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो हम 4 को अगर 12 बना दें और 6 को भी 12 बना दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना और 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना। अब एक बात समझिए, अगर आप इसको 3 से गुना किए तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 2 से किए तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो बराबर होगा ना। मान लेते हैं यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 6:7 को 12:7 थोड़ी लिख सकते हैं, 6:7 को 12:14 लिख सकते हैं, क्योंकि कट के फिर से 6:7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 4 × 3 12, 6 × 2 12, तो लिख ही लिए, 7 × 2 14। तो मेरा जो रेशियो कन्वर्ट होके बनाना वो हो गया 9:12:14, ठीक है, कितना आसान था। तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये क्या है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो कह सकते हैं, मतलब रेशियो को आपस में कंबाइन किया गया है ना। अगर 4 भी दिया रहेगा तो घबराना नहीं, मान लेते P अनुपात Q दिया रहे कुछ, Q अनुपात R दिया रहे कुछ और R अनुपात S दिया रहे कुछ, तब क्या करेंगे, मान लेते 1:2 है, 3:4 है और 5:6 है,
ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करना, इतने को पहले कर लेना, एक बार में नहीं होगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। पहले आप पी क्यू आर निकाल लो आसानी से। तो दो तीन को देखते हुए एक फिगर सिक्स मान लेते हैं, इसको टू से, इसको थ्री से, तो यहां भी थ्री, यहां भी टू, तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत आसानी से पता लग गया ना, 3:6:8। अब यहां फिर से लिख लीजिए, आर अनुपात एस कितना है, 5:6, ठीक है ना। तो देख लीजिए, आठ और पांच को देखते हुए फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आठ को पांच से गुना कर दीजिए, पांच को आठ से, तो यहां भी पांच, यहां भी पांच और यहां भी आठ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए पी क्या हो जाएगा, पांच तिया 15, 6 × 5 30, 8 × 5 40, यहां 8 × 5 ऑलरेडी है 40, 6 × 8 48। तो आपका पी क्यू आर एस का अनुपात क्या हो जाएगा, 15, 30, 40 और 48, ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली यही है, बाकी इसी को आप फिर क्या बोलेगा ना, कि 2% दिया रहेगा, मान लीजिए दो अनुपात में दिया रहेगा, पी अनुपात क्यू है 5:6, ठीक है। और बोलेगा कि एक राशि है, मान लेते हैं 110 रुपये, ठीक है, तो इस दोनों के बीच आप डिवाइड कीजिए। तो आप मतलब 110 रुपये दोनों ने मिलके कमाया है, और दोनों ने थोड़ा अलग अलग मेहनत किया है, पी ज़्यादा मेहनत नहीं किया, क्यू ज़्यादा मेहनत किया है, क्योंकि इसको 5 इकाई में मेहनत किया, उसने 6 इकाई में मेहनत किया, तो आप जाहिर सी बात है पैसे भी उसी अनुपात में बांटेंगे। तो 110 रुपया जो है ना, वो दोनों का मेहनत था, मतलब 5 + 6 = 11, 11 इकाई का मेहनत 110। तो अगर पी का शेयर पूछा जाएगा तो 50 हो जाएगा, और क्यू का शेयर पूछा जाए तो 60 हो जाएगा, और 50 और 60 को दोबारा आप जोड़ देंगे तो 110, ठीक है ना। तो एक निकालने के बाद आप दूसरे को माइनस भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही निकालें। अगर एक की वैल्यू 50 आ गई थी, तो दूसरे की वैल्यू 110 में 50 घटाने के बाद यहां भी 60 हो जाएगा। तो आप जैसे आपको सहूलियत हो वैसे निकाल लेना, तो आपको इसी तरह के मतलब क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं सबसे पहले, मतलब अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है, कि दो संख्याओं का अनुपात 12:19 है। सबसे पहले देख लें यहाँ पे दो संख्या क्या है, 12 और 19 है, ठीक है। अब देखिए, हमेशा एक चीज आप ना और मतलब मन में लेके चलना, कि जैसे दो संख्या का अनुपात 12:19 है ना, तो शुरू में आप ऐसा मान ही लेना कि एक संख्या 12 और दूसरी संख्या 19 है, बस बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब ये ट्रिक है कि एक संख्या 12 है तो दूसरी 19 है, कोई बात नहीं, ठीक है। उनके बीच का अंतर 196, आप यहाँ पे 196 लिख दीजिए, और यहाँ पे ऐसे लिख भी दीजिए कि ए माइनस बी 196 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ए छोटा है ना, बी बड़ा है, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि बी माइनस ए, जिससे आपको आगे चल के थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप देख रहे हैं कि बी माइनस ए 196 है, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं, दोनों में से छोटी संख्या, हाँ कौन सी, मतलब इसमें से कौन सी है, ठीक है, या कितनी है भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप देख रहे हैं कि बी माइनस ए 196 है, और यहां बी माइनस ए कितना है, 7 है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों बात बराबर है ना, या तो आप 7 कह लीजिए या 196 कह लीजिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 7 यूनिट ही जो है ना 196 के कहीं ना कहीं बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 196/7, तो 7 को अगर इससे कटाया जाए तो 28 बार में 196 डिवाइड हो जाए, तो 28 हो गया एक यूनिट की वैल्यू। मतलब इस दोनों में कहीं ना कहीं 28 छुपा हुआ है, अगर दोनों को 28 से गुना कर देंगे ना, तो यह इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो 28 को 12 को 28 से गुना करेंगे ना तो 336, और यही हमसे पूछा जा रहा था, छोटी संख्या 12 है, बड़ी संख्या 19 है। अगर बड़ी संख्या पूछा जाता तो 19 को 28 से गुना कर देते तो मेरा आंसर आ जाता। तो यहाँ पे मेरे से छोटी संख्या पूछा जा रहा था, तो यही हो गया मेरा 336, ठीक है ना। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक है, अगर इसी को डिटेल में बनाते लोग तो कैसे बनाते, कि माना कि अनुपात 12x 19x है, ठीक है, फिर करते प्रश्नानुसार 19x - 12x = 196, 7x की वैल्यू हो गई 196, x की वैल्यू हो जाएगी
196 अपॉन 7 28। अब पूछा जाता 12x की वैल्यू, तो 12 गुना 28 मतलब 336। तो ये एक तरह से डिटेल में बनाना हुआ x मान के। तो हम x मान के क्यों बनाएं एग्जाम में, आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब जल्दी बनाना है ना, क्योंकि और भी क्वेश्चंस बनाने हैं, तो इसको फॉलो कर लेना आप यूनिट मान के, ठीक है ना। तो चलते हैं अब अगले चैप्टर को देखते हैं, ठीक है ना। एवरेज, यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आप सुनते ही होंगे एवरेज। तो हम चलते हैं एवरेज के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एवरेज होता क्या है? औसत का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो ग्रुप ऑफ नंबर्स के कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि मान लेते हैं कुछ संख्या दी हुई है, मान लेते हैं 5 संख्या है, तो उसका जो औसत होगा ना, वो 5 संख्या में से जो सबसे छोटी है ना उससे कुछ ना कुछ बड़ी, और जो सबसे बड़ी है उससे कुछ ना कुछ छोटी होगी, उसके बीच ही लाई करेगा। मतलब जो सबसे छोटी है उससे ना छोटी हो सकती है, और जो सबसे बड़ी है उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो औसत क्या है ना, हमेशा उसके बीच में ही कहीं ना कहीं 5 संख्या के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। और कई बार तो क्या होता है कि मतलब उसी 5 में से कोई एक संख्या ही औसत हो सकता है, तो वो किस कंडीशन में होगा वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो औसत हमेशा समझना कि एक ऐसी संख्या जो आपस में दी हुई संख्या के आसपास ही हो, मतलब एवरेज। जैसे कहते हैं ना कि 5 व्यक्ति है, कुछ कुछ कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कुछ 100 कमा रहा है, कोई 150 कमा रहा है, कोई 80 कमा रहा है, तो आप उससे पूछा जाता है कि आप लोग एवरेज कितना कमा ले, तो मतलब औसतन, औसतन का मतलब एक मोटा मोटी अमाउंट जो आपस में सबसे रिलेटेड हो। और औसत जो होता है ना, वो किसी भी मतलब जो भी मतलब 5 व्यक्ति है, 5 जो कमा रहे हैं, तो उसका किसी का भी ओरिजिनल फिगर वो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब किसी को 80 कमा रहा है तो उसका औसत अगर 100 है तो उसको 100 रुपये दिया जाएगा, ऐसा नहीं। औसत का मतलब है कि एक एवरेज अमाउंट, मतलब जो पे करता है वो निकालता है कि हाँ हमको एवरेज मतलब 5 पे 100 रुपये पड़ रहा था, इस तरह करके एवरेज का कॉन्सेप्ट है। तो इसका सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दी गई संख्याओं का योग, संख्या हो कुछ भी हो, यहाँ पे संख्या ही लिख देते हैं, जितनी भी संख्या दी गई है सबको आपस में ऊपर जोड़ दीजिए, और जितनी संख्या दी गई है उसको उससे डिवाइड कीजिए। संख्याओं की संख्या, नंबर्स ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या। शायद आपको यहाँ पे अभी फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं 3 संख्या ही लेते हैं, 2, 3 और 5, ठीक है ना। ऐसा लेते हैं जो आपस में डिवाइड भी हो जाए, हाँ ठीक है, 2, 3, 5 ही लेते हैं। तो 5, 3, 8, 2, 10, तो दी गई संख्याओं का योग, तो 5, 3, 8, 2, 10, और संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, तो कितना हो जाएगा 5, 3, 8, 2, 10, तो 10/3। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1/3। यहाँ पे क्या लिख देंगे, औसत मतलब एवरेज। तो आप देख पाए कि इसका जो 2, 3 और 5 का जो एवरेज है ना, वो 3, 1/3 के बराबर आया। अब हम आपको अभी बताए थे कि छोटी संख्या से ना छोटी होगी और सबसे बड़ी संख्या से बड़ी भी नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि 2 से कुछ ना कुछ बड़ा है और 5 से कुछ ना कुछ छोटा है, तो इस तीनों के बीच कहीं ना कहीं ये संख्या लाई कर रहे। और 3, 1/3 है क्या, तो इस तीनों संख्या का औसत है, मतलब ये 2 से भी रिलेटेड है, 3 से भी रिलेटेड है, 5 से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यही होता है एवरेज, मीन वैल्यू जिसको कहते हैं, माध्य, इसका दूसरा नाम माध्य भी है, मीन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। मीन कह लीजिए आप, एवरेज कह लीजिए, ठीक है, एक ही बात है, और माध्य कह लीजिए या औसत कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। अब इसके एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि कई बार आपको मैंने बताया था ना कि उसी संख्या मतलब उसी संख्या में से कोई एक एवरेज हो जाता है कई बार। तो आप ऐसे ले लीजिए 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है इसका एवरेज, ठीक है, आपको इसमें एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना, आप उसको याद रखना। तो पहले आप नॉर्मल से जोड़ लीजिए, कितना होता है ये 25, और संख्या कितनी है 5, तो औसत कितना हो जाएगा 5, है ना, 25/5, 5, ये हो जाएगा एवरेज। तो देख रहे हैं
ये बीच वाली संख्या ही एवरेज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ना कि एक तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, आप देख रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, हर कंजेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, और संख्या की जो संख्या है ना वो ऑड होनी चाहिए, मतलब विषम में, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि बीच वाली जो संख्या होगी ना वो औसत हो जाएगी। कैसे? एक बार और सोच लेते हैं, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, यहां भी पांच संख्या है, तो 14, 11 कितना हो जाएगा, 25, 8, 33, 5, 38, 2, 40, और 40 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 8 हो गया ना, तो यहां भी देख रहे हैं एवरेज 8 ही है। तो आप क्या समझे, यही है ट्रिक, और एग्जाम में आपको बहुत काम देगा ये। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही डिफरेंस हो, लेकिन हाँ ये जरूर होना चाहिए कि डिफरेंस आपस में सेम हो, कंजेक्यूटिव नंबर का आपस में डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे 50 हो या 100 हो या 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी पे आपको बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि संख्या की जो संख्या है वो ऑड ना हो कि इवन हो, तो क्या कर सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ले लेते हैं। अब इसको आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 11, 9, 20, 7, 27, 5, 32, 3, 35 और 1, 36, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये हो जाएगा एवरेज, ठीक है ना। एवरेज मेरा कितना हो गया, 6। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे तो 6 है नहीं, तो इसका एक ट्रिक है, वही बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर संख्या के बीच का डिफरेंस सेम हो, ठीक है, और आपस में ये ऑड में हो, सॉरी इवन में हो, इसकी संख्या इवन में हो, मतलब संख्याओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तब क्या करेंगे, आप इसको ना शुरू के दो डिजिट और लास्ट के दो डिजिट को अलग करने के बाद बीच के दो डिजिट को हमेशा पकड़िएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 के जगह 8 रहता तो आप 3, 3 उधर रख लेते, बीच के दो, मतलब बीच के दो डिजिट को ढूंढना है, तो 5 + 7 मिला, और 5 + 7 को ही सिर्फ 2 से डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो आपको औसत मिल जाएगा, तो आप इससे बच जाएंगे। मान लेते हैं वो 50 संख्या दे दे, ठीक है ना, यहां से शुरू करके 50 तक दिया रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है ना, 50 को सबसे पहले आप क्या कीजिए, बीच के दो डिजिट को पकड़ लीजिए इसके, तो कैसे पकड़ेंगे, 24 24 डिजिट इधर और 24 उधर, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, 24 24 48 हो गया, बचा दो, तो बीच के जो भी दो डिजिट होंगे ना उसको उठा के मान लीजिए 12 और 13 हो, 12 और 14 हो, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको औसत मिल जाएगा। समझ गया ना कितना आसान है, तो आपको इससे बच जाएंगे कि सारी संख्याओं को जोड़ना है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि कंजुकेटिव नंबर जो होंगे ना उसके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब और कुछ, औसत का तो फॉर्मूला एक ही था, ठीक है, अब एक औसत का फॉर्मूला है एन संख्याओं का औसत, एन संख्याओं का औसत अगर दिया रहा है, एन संख्या का मतलब कि जितनी भी दिया रहा है, एक से स्टार्ट हो वो और एन तक जाए, तो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू और डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, तो ये आपका औसत हो जाएगा। तो इस डिवाइडेड बाय एन को आप चाहें तो यहीं पे लिख सकते हैं, तो 2n कहते हैं इसको, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2n, इससे आपका क्या होगा, एवरेज निकल जाएगा n संख्याओं का जो एक से स्टार्ट हो, एक से 50 तक के बीच की, मतलब एक से 50 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो आप इस फॉर्मूला पे आराम से रख सकते हैं, एक से, ठीक है, 50 + 1/100, है ना, इस तरह करके आप इससे औसत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके एक क्वेश्चंस को, ठीक है, और इसमें भी आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे इस क्वेश्चंस को देखते हुए। इसमें क्या है कि 15 संख्याओं का औसत 22 है, 15 संख्याओं का औसत 22 है, तो आप देख लेते हैं संख्या कितनी है 15 और औसत कितना दिया हुआ है 22। देखिए एक बात आपको यहां बता देते हैं कि अगर 15 संख्याओं का औसत 22 दिया गया तो 15 संख्याओं का कुल कितना होगा, जब आप 15 संख्याओं का औसत निकालने के लिए सारे संख्याओं को जोड़ के 15 से भाग किए होंगे तब औसत प्राप्त हुआ होगा,
तो कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 को 22 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 15 संख्याओं का कुल योग, 15 संख्याओं का कुल योग तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 22 आंसर हो जाएगा 330। ठीक है ना, 330 क्या होगा आंसर, नहीं सॉरी मतलब 15 संख्याओं का सम, ठीक है ना, योग। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए, तो आप देख रहे संख्या कितनी है 15। अगर हर संख्या में 15 संख्या में अब कुछ भी हो सकता है, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 8 है, लेकिन सब में 6-6 की वृद्धि होगी। तो अगर 6-6 की वृद्धि पूरे 15 संख्या में होगी तो 15 को 6 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो कहने का मतलब है 15 गुना 6 जो है ना वृद्धि हो गई, मतलब 90 और संख्या में बढ़ गया इसके योग में। तो 330 में 90 और जोड़ दीजिए आप तो 420 हो गया, मतलब 420 क्या हो गया, अब जो है ना नया योग है, है ना, 15 संख्याओं का नया योग। और अब औसत बोल रहा है कि नया औसत निकाल दें, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा मेरा, नया औसत 420, संख्या तो 15 ही है ना, जब आप इसको 15 दूना 30 और 28, 15 8 120, मतलब अब जो मेरा नया औसत है वो 28 है। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न था, लेकिन अगर इसके ट्रिक की बात करें 2 सेकंड में बनाने की तो सुनिए। मान लेते हैं कि 15 संख्याओं का औसत 22 है, ठीक है, अच्छी बात है 22 है, और प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो नया औसत ज्ञात करना है, तो पुराना औसत कितना है 22। अब एक बात बताइए, अगर प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है कि अगर सब में एकदम सेम टू सेम 6-6-6 की वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है औसत में ही 6 ही बढ़ेगा। एकदम रट लीजिए इस बात को, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, रटना है, जो समझना है समझ लीजिए कि अगर कंटिन्यूअस वृद्धि हर संख्या में सेम हो रहा है तो जाहिर सी बात है औसत में भी 6 की वृद्धि होगी, है ना। क्योंकि अब देखिए क्यों होती है ये भी बताते हैं, 15 संख्या में 6 की वृद्धि हुई तो कितना बन गया 90, और 90 हुआ वृद्धि, अगर सिर्फ जो बढ़ी है उसी का औसत निकाल दें तो 90 का अगर औसत 15 को डिवाइड कर देंगे ना तो आ गया ना 6, तो औसत भी 6 ही बढ़ गया। तो बस क्या करना है ना आपको, इस 22 में से इस 6 को जोड़ दीजिए और आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, देख लिए आ गया ना 28। तो ये जो इतना जो तामझाम करना पड़ा ना, जो इतना कैलकुलेशन, इतना फॉर्मूलाज यूज करना पड़ा आपको, इससे बच जाएंगे आप सीधा कह सकते हैं कि 22 पुराना औसत था, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हुई तो 22 को 6 से जोड़ दिए तो 28 मेरा उत्तर हो गया। कितना आसान सा प्रश्न था, तो बस इसी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एवरेज में ना ट्रिक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिएगा, जिससे आपकी मतलब क्वेश्चंस बनाने की क्षमता और बढ़ जाएगी तेजी। अब बिना देरी के लास्ट जो हमारा टॉपिक है, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, है ना, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले दोनों के कॉन्सेप्ट को समझिए, एलसीएम और एससीएफ होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो और दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है ना, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सभी जो दी गई संख्या है ना उसका वो मल्टीपल हो और लोएस्ट भी हो, उसी को एलसीएम कहते हैं। और SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब SCF एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या को मतलब विभाजित कर दे, ठीक है, और वो सबसे बड़ा भी हो, तो उसी को क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे आपको, तो सबसे पहले LCM समझते हैं कि मान लेते हैं संख्या है 2, 3 और 5, तो इस तीनों संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जो कि विभाजित भी हो रही है और सबसे छोटी भी है। तो हम कह सकते हैं कि 2, 3, 5 को देखते हुए अगर उस संख्या को हम मान ले 2, 3, 5 का एलसीएम 5 से 30, ठीक है, अगर 30 है, 30 से ऐसी 30 से अगर और भी कोई छोटी संख्या तो आप बताइए, है नहीं है ना, तो 30 से छोटी कोई संख्या ही नहीं है जो 2, 3 और 5 से विभाजित हो जाए।
और कंडीशन ये भी है कि दो से हो तो तीन से भी हो तो पांच से भी हो, ऐसा नहीं कि दो से कुछ और विभाजित कर देना आप, तीन से किसी और को विभाजित कर देना और पांच से किसी और को विभाजित कर देना, ऐसा नहीं है। कंडीशन ये भी है कि तीनों से विभाजित होनी चाहिए, तो दो भी तीस से है, तीन भी तीस से है, पांच भी तीस से है, सॉरी तीस पांच से भी है, तीस तीन से भी है, तीस दो से भी है, तो इसी को कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, दो के मतलब आप इसको ढूंढ लीजिए कि दो किससे किससे विभाजित है, एक दो से, तीन किससे किससे है तो एक तीन से, और पांच किससे किससे है तो एक और पांच से। अब क्या कीजिए ना, इसमें क्या देखा जाता है ना, जो कॉमन है उसको एक बार ले लेते हैं, तो तीनों में कॉमन एक है, ठीक है, तो एक को ले ली, एलसीएम बराबर एक गुना, इस तीनों में दो ही इकलौता है तो दो को तो लेना ही पड़ेगा, तीन भी इकलौता है तो तीन को भी लेना पड़ेगा, और पांच भी अकेले है तो पांच को भी लेना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पांच तीन पंद्रह गुना दो तीस, तो यही मेरा एलसीएम हो गया। दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का क्या है, दो तीन और पांच ऐसे निकालिए, जो बहुत छोटे से क्लास में आप लोग निकालते होंगे, सबसे पहले दो से तो दो एक, ये नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज लिख ले, फिर तीन से करेंगे तो एक पांच, फिर पांच से कर लेते हैं, अब एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, दो गुना तीन गुना पांच गुना एक गुना एक गुना एक, यहां भी तीस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो क्या था ना कि एक और आपको इसमें एक ट्रिक बता दें कि अगर तीनों प्राइम नंबर हो, आप अभी प्राइम नंबर पढ़े थे ना पिछली क्लास में, अगर दी हुई संख्या आपस में प्राइम हो, आपस में क्या मतलब सब प्राइम नंबर हो, दो तीन और पांच प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका है कि आपस में तीनों को गुना कर दीजिए। जब इसका कोई मल्टीपल या फैक्टर ही नहीं है तो फिर आप सॉरी फैक्टर ही नहीं है तो आप मतलब एलसीएम निकाल ही नहीं पाएंगे इस मेथड से या इस मेथड से, आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पांच सात और ग्यारह होता, यहां भी देख रहे हैं पांच का कोई मतलब फैक्टर नहीं है, सात का भी नहीं है, ग्यारह का भी नहीं, तो बस गुना कर दीजिए और आपका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ग्यारह गुना सात सतहत्तर और गुना पांच सात पचे पैंतीस, तीन सात पचे पैंतीस, तीन अड़तीस, मतलब तीन सौ पचासी क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका कोई भी आपका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब हम आगे एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं चार बारह और अठारह हो, तब आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप एलसीएम ऐसे निकालेंगे चार बारह और अठारह का एलसीएम, ठीक है ना। तो सबसे पहले दो से, तो दो दो फोर हो गया, टू सिक्स जै ट्वेल्व, टू नाइन, फिर आप दो से करेंगे दो एक तीन नौ, फिर तीन से करेंगे तीन, फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, तीन गुना तीन नौ, दूना अठारह, दूना छत्तीस, तो आपका छत्तीस क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बहुत आसान था। तो इस तरह करके आप एलसीएम तो निकाल लेंगे। आपको पहले बता दिया, अगर प्राइम नंबर दिया रहेगा तो आप क्या कर लेंगे कि आपस में गुना कर देना है, और अगर डिविजुअल हो मतलब और किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो एलसीएम आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट जो है अगला है एससीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि दी हुई संख्या, ठीक है ना, जो भी मान ले दो तीन और चार, दी हुई संख्या को एक ऐसी कोई संख्या विभाजित कर दे जो मतलब तीनों को विभाजित करना है और वो संख्या सबसे बड़ी हो, ठीक है ना। तो मान लेते हैं वो संख्या कौन सी होगी, एक होगी, एक से दो भी विभाजित हो रहा है, तीन भी हो रहा है और चार भी हो रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए एक वो संख्या सबसे बड़ी है क्या, तो ऑब्वियसली है, क्योंकि एक से बड़ी कोई ऐसी संख्या ही नहीं जो दो नहीं तीनों को विभाजित कर दे, है ना। तो यहां भी आप क्या देखें कि तीनों संख्या क्या है ना, प्राइम है। तो अगर एक कॉन्सेप्ट इसमें यह भी है या ट्रिक समझ लीजिए कि अगर संख्या प्राइम हो तो हमेशा जो एससीएफ होगा ना वो वन होगा, क्या होगा, वन, ठीक है ना। प्राइम संख्याओं का एससीएफ हमेशा वन होता है, चाहे कुछ भी हो, मान लेते हैं आप संतानवे हो, 101 हो और मान लेते हैं 103 हो, अगर इसका एससीएफ निकालना हो तो इसका भी वन होगा, क्योंकि ये भी संख्या किसी से विभाजित नहीं है, ये भी किसी से विभाजित नहीं है और ये भी किसी से विभाजित नहीं है, तो इसका एससीएफ हमेशा वन होगा, ठीक है। अगर मान लेते वो संख्या विभाजित होने वाली होती, मान ले दो आठ और उन्नीस हो, तो इसका एससीएफ कैसे ज्ञात करेंगे,
तो पहले जो है ना आप इस दोनों संख्या जो मतलब सबसे छोटी फिर उससे बड़ी इस दोनों के बीच का एचसीएफ आप निकाल लें। तो दो और आठ से कोई एक ऐसी संख्या है जो विभाजित हो जाए, दो है, दो से दो भी, दो से आठ भी। फिर अब दो और उन्नीस में देख लेंगे, तो दो उन्नीस में क्या है ऑब्वियसली फिर दोनों प्राइम नंबर है तो वन। तो इस तीनों का एचसीएफ क्या आ गया वन। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, दो और आठ को पहले आप कर ले, तो ये जो संख्या होता है ना यही मेरा एचसीएफ होता है। तो दो संख्या का एचसीएफ टू, दो और आठ का। अब क्या करेंगे इस दो और उन्नीस का अब एचसीएफ निकालेंगे। तो दो और उन्नीस का एचसीएफ निकालने के लिए टू नाइन जाए एट्टीन, वन फिर वन को दो से डिवाइड, इधर वाला फिर इधर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ वन। तो मतलब दो आठ और उन्नीस का एचसीएफ क्या हो गया वन। अगर बात करें तीन पंद्रह और अठारह, तो देख रहे हैं तीन पंद्रह को भी भाग कर रहा है, तीन अठारह को भी भाग कर रहा है। तो हमेशा देखिएगा अगर ऐसी संख्या हो जो आपस में टेबल के फॉर्मेट में हो, तीन के टेबल में पंद्रह भी है, तीन के टेबल में अठारह भी है, तो जो शुरू में जो सबसे छोटी संख्या है ना वही मेरा एचसीएफ होगा। हालांकि संख्या छोटी है लेकिन इस तीनों को विभाजित करने के लिए जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है ना वो तीन ही है, क्योंकि आप अठारह ले लेंगे तो अठारह तो अठारह को डिवाइड कर देगा लेकिन पंद्रह और तीन को नहीं करेगा ना। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटा सा डिफरेंस ये है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित होती है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है कि दी हुई संख्या को वह सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित करता है, वहां संख्या खुद विभाजित होती है क्योंकि वहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है मल्टीपल मतलब गुणज, और यहां पे क्या हुआ है फैक्टर मतलब खुद भाग करेगी, ठीक है ना, बस यही फर्क है। इसलिए उसमें मल्टीपल वर्ड यूज हुआ है और इसमें फैक्टर वर्ड यूज हुआ है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पे भी आप एलसीएम, इसमें एलसीएम निकाल देना और वहां एचसीएफ निकाल देना, बस ऐसे समझ लेना कॉन्सेप्ट कि एलसीएम में संख्या विभाजित खुद होती है दी हुई संख्याओं से, और एचसीएफ में क्या होता है कि संख्या दी हुई संख्या को विभाजित करती है, ठीक है ना, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें से एक प्रश्न को देख लेते हैं कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित है, ठीक है, 200 और 600 के बीच, मतलब 200 और 600 के बीच कुछ संख्याएं तो दी हुई होगी ना, 201 से लेके 599 तक, और 4 और 5 6 से विभाजित हो जाए, तो एलसीएम बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था। अब आप अगर ऐसे सोचें कि एक बार आप 4 से सारे संख्या को विभाजित करें 201 से लेके 599 तक और लिख ले काउंट करके, फिर 5 से करना शुरू करें उसको भी नोट कर ले, 6 से करना शुरू करें उसको भी नोट कर ले, अब तीनों नोट किए हुए में से कॉमन ढूंढने की कोशिश करें तो आप परेशान हो जाएंगे ना। तो एलसीएम से फायदा क्या हुआ कि 4 5 और 6 से ना जो एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है आप उसको ढूंढ लें। तो 4 और 5 और 6 का आप एलसीएम निकाल लें, तो 4 और 5 और 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, अगर नीचे प्राइम आ जाए ना तो आप बस गुना ही कर देना, 2 गुना 2 4 पंचे 20 गुना 3 60, 4 5 और 6 से मतलब कौन संख्या विभाजित है जो सबसे छोटी भी है वो है 60। तो आप 4 और 5 और 6 को आप इग्नोर कर दीजिए, आप सोचिए कि मेरे पास संख्या 60 है और 60 से 200 और 600 के बीच कौन कौन संख्या विभाजित होती है, तो आप क्या कीजिए 60 का टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, मतलब 60 के मल्टीपल काउंट कर लीजिए। तो 60 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि 200 से नीचे लेने का तो फायदा है नहीं, तो 60 को 3 से गुना करते हैं तो 180 और 4 से गुना करते हैं तो 240। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 240, 60 गुना 5 300, 60 गुना 6 360, 60 गुना 7 420, 7 गुना 8 480 और 7 गुना 60 गुना 8 हो गया अब 9 540 और गुना 10 600। अब एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चंस में कहा गया था कि 600 के बीच, तो इसको कंसीडर नहीं करना है ना, तो इसको आप छोड़ दीजिए, 600 को नहीं लेना है क्योंकि उसके बीच की संख्या लेना है ना, बीच की संख्या को लेनी है। तो आप यहाँ पे 240 से स्टार्ट करें और 540 तक जोड़ लें, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और 6,
मतलब छह संख्याएं हैं जो 200 और 600 के बीच भी है और चार और पांच और छह तीनों से एक साथ विभाजित भी है। तो मेरा उत्तर क्या हो गया? छह। ठीक है ना। तो इस तरह आपके 3 चैप्टर आज समाप्त फिर से हो गए और पीछे आपके 6 चैप्टर समाप्त हो गए। तो कुल 9 चैप्टर को आपको, कुल 9 चैप्टर के प्रश्न को भी करा गया, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को भी कराया गया है और कुछ फॉर्मूलाज को भी बताया गया है। तो देखा जाए तो आपकी बीपीएससी की तैयारी अब और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि लगभग इन 9 चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और आपको एपिसोड मतलब मैं लाऊंगा जिसमें कि जो रिमेनिंग कुछ चैप्टर है ना उसको एक साथ करा देंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कभी कभी पूछे गए, प्रायिकता से कभी कभी पूछे गए, एज रिलेटेड प्रॉब्लम लगभग औसत से रिलेटेड है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो खैर आता ही नहीं है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है। तो ये सबको देख लेंगे, छोटे छोटे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो आप इस तरह अपनी तैयारी को करते रहिए और हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।